अटाक मारा बेलुआ है, मरुआ टोली महेंद गांव है, सेंट्रल ग्रिड है बारामसिया में, स्टेट ग्रिड है सिंगिया चकंदरा में, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे किशनगंज तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 80 करोड़ से, जब महानंदा नदी से गुजरेंगे इधर से जाने में बाएं तरफ देखेंगे दासपाड़ा खारी बस्ती में बन के खड़ा है किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और आज पढ़ाई भी शुरू हो गई। और जब 2020 में चुनाव के वक्त विरोधी लोग ये कहकर वोट लेने का काम किए कि उसका वीडियो बना के कि ये डिटेंशन सेंटर है, तो मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे नीतीश कुमार जीतेगा तो सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उस बिल्डिंगों में रखा जाएगा और उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा। आपने उनकी बातों पर भरोसा किया लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितने लोगों को आज बांग्लादेश भेजने का काम है। आज अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि बिहार में जो कानून का राज है नीतीश कुमार का, हर मतलब धर्म के लोग जिस तरह से आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा माहौल है क्या? आप यूपी चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश दे, वहां जाति और धर्म देख करके लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है। अभी पिछले दिनों जाति आधारित गन्ना हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने आने लगा है। कई मुख्यमंत्री ने घोषणा किया 94 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो विकास में तरक्की में पीछे रह गए हैं, उन 94 लाख परिवारों को मुफ्त 2-2 लाख रुपए देने का घोषणा किया ताकि उस 2 लाख रुपए से कोई कारोबार कर सके और वो भी मुख्य धारा में आगे बढ़ सके। कोई सरकार कर सकता है क्या? 94 लाख परिवार को, उसमें हमारे यहां भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आरक्षण की जो सीमा था कि 50% और 10% जो है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों के लिए 60%, उसको बढ़ाकर 75% करने का कैबिनेट से निर्णय लिया 2 दिन पहले। ये सारा काम हो रहा है। आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बन गया है। जो एक बीमारू राज्य था, न बिजली थी, न सड़क, पुल, पुलिया, न स्कूल, न हॉस्पिटल, और वही बिहार 18 साल में देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बन गया। कैसे बन गया? आज पूरे देश और दुनिया के लोग नीतीश कुमार पर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि इनकी कोशिश से, इनकी मेहनत से 26 दलों का इंडिया गठबंधन बना है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकता है तो बिहार का लाल है उसका नाम नीतीश कुमार है।